तो कैसी हो पब्लिक। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एमसी स्टैन के अपकमिंग एल्बम के बारे में। तो एमसी स्टैन ने हमें बिग बॉस के घर के अंदर बताया था कि उनके पास में सॉन्ग रिलोड किए हुए पड़े हुए हैं, बस वो बाहर आते फट 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 करके अपलोड करने वाले हैं सॉन्ग्स। लेकिन बिग बॉस 16 खत्म हुए अप्रोक्स 2 मंथ कंप्लीट होने वाले हैं, लेकिन अभी तक एमसी स्टैन की तरफ से हमें कोई भी ट्रैक एंड कोई भी एल्बम देखने को नहीं मिला है। तो इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं कि एमसी स्टैन का एल्बम कब तक आ जाएगा। तो बिग बॉस एंड होते ही एमसी स्टैन काफी ज्यादा बिजी हो जाते हैं अपने काम के अंदर एंड अपने शो के अंदर, क्योंकि उनका इंडिया टूर चल रहा था। एमसी स्टैन रमजान के दिनों में अपने सॉन्ग अपलोड नहीं करते हैं एंड साथ ही में रमजान के दिनों में एमसी स्टैन अपने शो पे परफॉर्मेंस भी नहीं करते हैं। एंड आप लोगों को पता होगा रमजान के दिनों में एमसी स्टैन ने अपने इंस्टाग्राम पे 2 बार अपनी डीपी चेंज की थी। एमसी स्टैन ने पिछली बार भी अपना सॉन्ग अपलोड करने से पहले अपनी इंस्टाग्राम की डीपी को चेंज कर लिया था एंड वहां पर ये रेड वाली डीपी को लगा दिया था। एंड साथ ही में एमसी स्टैन बिग बॉस के फिनाले के दिन एक अपना न्यू सॉन्ग चलाते हैं जो अनरिलीज होता है एंड उसका नाम होता है हाथवर्ती। एंड ये एक कोलेब्रेशन सॉन्ग होने वाला है कस्मर एंड एमसी स्टैन के साथ में, जो कि ये शूट कंप्लीट हो चुका है, वीडियो पूरा का पूरा तैयार है, जो कि अपडेट मेन अपडेट यहाँ पर कस्मर की तरफ से निकल कर आई थी कि कस्मर ने यहाँ पे बताया था अपने लाइव शो के अंदर, वो सॉन्ग प्ले करके दिखाया था। और साथ ही में एमसी स्टैन के बहुत सारे कोलेब्रेशन आने वाले हैं, बॉलीवुड के अंदर आने वाले हैं एंड बहुत सारे डीएचएच के अंदर भी आने वाले हैं। तो अभी एमसी स्टैन थोड़े दिन पहले एक जीक्यू इवेंट पार्टी के अंदर गए थे एंड वहां पर उन्होंने बताया था कि उनके बहुत सारे कोलेब्रेशन आने वाले हैं, डिवाइन के साथ में आने वाले हैं, कस्मर के साथ में आने वाले हैं, करण ओजला के साथ में आने वाले हैं, डिवाइन के साथ में आने वाले हैं। एंड साथ ही में एमसी स्टैन को अप्रोच किया गया था शाहरुख खान की मूवी जवान के अंदर एक सॉन्ग के लिए, मुझे ऐसा लगता है कि एमसी स्टैन ये सॉन्ग करने वाले हैं। एंड साथ ही में एक दो दिन पहले एमसी स्टैन अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी लगाते हैं एंड वो वहां पे बताते हैं कि बी पार्क के साथ में उनका एक सॉन्ग आने वाला है एंड यहाँ पर बी पार्क ने भी एक अपनी ट्रैक लिस्ट जारी कर दी थी अपने सॉन्ग्स की एंड उसी के अंदर एक सॉन्ग होने वाला है एमसी स्टैन के साथ में। अब मेन बात आती है जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हो एंड आप काफी दिनों से जानना चाहते हो एंड वेट कर रहे होंगे। तो देखो जितनी मैंने रिसर्च की है, मैंने एमसी स्टैन के फैन पेज को जाके पूछा, मैंने काफी ज्यादा रिसर्च की एंड मुझे यहाँ पे पता चला कि एमसी स्टैन का अप्रोक्स इस महीने के अंदर एल्बम ड्रॉप हो जाएगा। अब देखना यह है कि इस महीने ड्रॉप होता है या नहीं होता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना कि अब एमसी स्टैन ज्यादा हमें नहीं खींचेंगे, वो अब यहाँ पर अपना एल्बम है वो ड्रॉप कर दे। तो देखते हैं एमसी स्टैन का एल्बम कब तक आता है। एल्बम आता है तो करके रखो, क्योंकि ऐसी अपडेट रोज मिलती रहेगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय, पीस आउट। हिंदी।